नागपुर महानगर पालिका के स्थायी समिति विभाग की बैठक मंगलवार को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति सभागृह में संपन्न हुई। इस बैठक में टैक्स विभाग की ओर से 2019 का लेखा जोखा दिया गया। टैक्स विभाग की ओर से अभी तक घर टैक्स पर 171 कोटि रुपए वसूल किए गए हैं। मनपा बजट में घर टैक्स का अंदाज 483 करोड़ रुपए बताया गया है। विभाग का कहना है कि टोटल वसूली 40% वसूली की गई है। विभाग का अंदाजा है कि आगामी 2 से 2.5 महीनों में 300 करोड़ के आसपास वसूली की जाएगी। स्थायी समिति की आज की इस मीटिंग में विशेष रूप से जो हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है इस पे आज ज़्यादा ध्यान देने में आया। हमारा स्थायी समिति का इस साल का एक अंदाज से हम 425 करोड़ का अंदाजा था जो इस साल वार्षिक वर्ष में आएगा। अभी तक के हमारा 170 करोड़ रुपये का टैक्स महानगर पालिका में जमा हुआ है जो आने वाले 1.5 महीने के अंदर 2 महीने तक के हम 300-325 करोड़ तक के हम जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका का टैक्स किस तरीके से ज़्यादा वसूल हो इस पर हमारा विशेष से ध्यान दिया जाएगा। आज की मीटिंग में देखा जाए तो नागपुर महानगर पालिका के बढ़ते हुए शहर को देखते हुए टैक्स में कुछ अधिकारियों की कमी जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम टैक्स में वसूली में पीछे रह रहे, यह भी एक प्रश्न सामने आया। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जिस कोई डिपार्टमेंट में हमारे पास अधिकारी टैक्स डिपार्टमेंट में काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसमें डाल के टैक्स को किस तरीके से गति बढ़ाए इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नागपुर महानगर पालिका में 10 जोन है और सबका हमने परसेंट वाइज एक आढ़ावा लिया, तो बहुत ही डिपार्टमेंट जो हमारे जोन वाइज है उसमें जितना चाहे उतना परसेंट वाइज समाधानकारक उनकी वसूली नहीं थी, जिसके चलते नागपुर महानगर पालिका की 10 जोन के सह आयुक्तों को आज शोकास नोटिस देने में आया और वो अपने जोन लेवल पे किस तरीके से टैक्स वसूल कर सके और जनता को टैक्स के होने वाले जो संबंधित जो कुछ अड़चन है वो किस तरीके से दूर कर सके इसके निर्देश दिए।